वेलकम टू माय चैनल टॉप टेक्नोलॉजी। टॉप टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं शॉर्टकट कीज, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये शॉर्टकट कीज का ये पहला पार्ट है। इसमें कई पार्ट होंगे शॉर्टकट कीज के। शॉर्टकट कीज ए टू जेड है, इसके बाद फिर फंक्शन की है, फिर कंट्रोल के साथ की होगा, अल्ट के साथ की होगा, शिफ्ट के साथ की होगा। इस तरह से कई तरह के शॉर्टकट कीज होते हैं। तो बारी बारी से हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग शॉर्टकट कीज लेके आएंगे। अभी फ़िलहाल आप जानें शॉर्टकट कीज ए टू जेड। अब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा कुछ नया मिलने वाला है और हम लोग मिल के पढ़ेंगे, मिल के सीखेंगे शॉर्टकट कीज। तो इस पार्ट में अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट कीज। तो चलिए जानते हैं शॉर्टकट कीज के बारे में। शॉर्टकट ए टू जेड शॉर्टकट कीज, कंट्रोल प्लस ए, आप यहां पर देख सकते हैं कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल का मतलब हो गया टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो आपके फाइल में जितना कुछ भी रहेगा, सारे के सारे चीज को हम लोग एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल कमांड शॉर्टकट कीज के मदद से। दूसरा है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से होता है बोल्ड। दैट मीन्स कोई भी टेक्स्ट अगर आपका नॉर्मल है तो आप नॉर्मल से उसको बोल्ड बना सकते हैं एंड बोल्ड से फिर से वापस नॉर्मल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस बी की से। तो करना क्या पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल बी दबाएंगे एक बार बोल्ड हो जाएगा, री दोबारा अगर दबा देंगे सेलेक्ट करके तो आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल सी कॉपी, कॉपी एनी सेलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस सी बटन दबाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी सेट फॉन्ट, फॉन्ट के स्टाइल को सेट करना है, फॉन्ट के साइज को सेट करना है तो कंट्रोल प्लस डी बटन को प्रेस करेंगे तो सेट फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई सेंटरिंग टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को अगर सेंटर में लाना है, बीच में लाना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एफ अगला है, कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड एनी टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना है मतलब ढूंढना है, सर्च करना है, खोजना है तो हम लोग कंट्रोल प्लस एफ की से ढूंढ सकते हैं, उसके फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसके मदद से हम लोग ढूंढ सकते हैं। कंट्रोल प्लस जी होता है गोटू, गोटू कमांड से हम लोग किसी भी एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस एच होता है रिप्लेस, रिप्लेस वन टेक्स्ट टू अदर, किसी भी एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में अगर रिप्लेस करना हो, बदलना हो तो हम लोग कंट्रोल प्लस एच की का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, नॉर्मल टू इटैलिक एंड इटैलिक टू नॉर्मल, ये कंट्रोल प्लस आई की से किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल से हम लोग इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं या इटैलिक से फिर से उसको नॉर्मल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई, जस्टिफाई से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका लेफ्ट और राइट दोनों साइड बिल्कुल बराबर होना चाहिए तो हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक, अगर आपको हाइपरलिंक का यूज करना है तो कंट्रोल प्लस के बटन को प्रेस करेंगे, हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आएगा और उससे आप लिंक कर सकते हैं किसी भी एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ या एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ। और हाइपरलिंक का एक कंप्लीट हमने वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में मूव कराना हो तो कंट्रोल प्लस एल की का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एम टैब मूवमेंट, टैब बटन को दबाने के जगह पे हम लोग कंट्रोल प्लस एम को भी दबा सकते हैं जिससे आपका कर्सर एक फील्ड से दूसरे फील्ड में मूव करता है। कंट्रोल प्लस एन होता है न्यू, तो हम लोग कोई भी नया फाइल अगर बनाते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर चाहिए तो कंट्रोल प्लस एन की को दबा देंगे, न्यू आ जाएगा। किसी भी फाइल को अगर ओपन करना है तो अगला शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल प्लस ओ ओपन, किसी भी फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एन बटन की मदद से। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट द डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, प्रिंट आउट निकालना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस पी की का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू एच स्पेस बिफोर पैराग्राफ, किसी भी पैराग्राफ से पहले अगर आपको स्पेसिंग छोड़ना है, जिस तरह से लाइन स्पेसिंग होता है उसी तरह से पैराग्राफ के भी स्पेस को हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट कीज के मदद से। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइन टेक्स्ट,
किसी भी टेक्स्ट को अगर राइट साइड में ले जाना है, पेज के राइट साइड में ले जाना है, तो कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस आर दबा देंगे, चला जाएगा। कंट्रोल प्लस एस सेव, किसी भी फाइल को अगर सेव करना है तो हम लोग कंट्रोल प्लस एस बटन का यूज करते हैं और हमारा सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। कंट्रोल प्लस टी होता है लेफ्ट इंडेंट, किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड मूव कराना है तो कंट्रोल प्लस टी बटन को प्रेस करेंगे, हमारा कंटेंट लेफ्ट साइड मूव करेगा। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, तो कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है जिसमें हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं और अंडरलाइन टेक्स्ट को फिर से नॉर्मल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस भी होता है पेस्ट, किसी भी टेक्स्ट को हम लोग जिसको भी कट या कॉपी किए हैं उसको हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है क्लोज एप्लीकेशन, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की मदद से हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स कट, किसी भी टेक्स्ट को अगर काटना है तो कंट्रोल प्लस एक्स दबा देंगे, वो टेक्स्ट हमारा कट जाएगा। कंट्रोल प्लस वाई होता है रीडू, तो आप एक होता है कंट्रोल प्लस जेड अंडू, तो जो भी अंडू से क्या होता है ना कि लास्ट रिवर्स द लास्ट एक्शन, लास्ट में हम लोग जो भी काम करते हैं उसका ये उल्टा काम करता है, और रीडू कमांड जस्ट लाइक अंडू का उल्टा करता है। दैट मीन्स रीडू और अंडू दोनों कमांड एक दूसरे का अपोजिट है। तो इस तरह से शॉर्टकट कीज पार्ट वन में हमने जाना ए टू जेड बेसिक शॉर्टकट कीज के बारे में। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे फंक्शन की शॉर्टकट कीज के बारे में। तो ये जो शॉर्टकट कीज है इसका कई सेगमेंट होगा, आज का ये जो सेगमेंट है ये पार्ट वन है, फिर आपको पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर कई सेगमेंट मिलेंगे, और इस सारे के सारे शॉर्टकट कीज को यदि आप जान लेते हैं तो कंप्यूटर में काम करना बहुत ही बेहद ही आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। और अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर ना करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में पार्ट टू के साथ हम जल्द मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।